दोस्तों भारत के अंदर इंस्टेंट लोन ऐप्स के नाम पर बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। कंपनीज आपको कुछ और दिखाकर अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि जब आप इनकी वेबसाइट पर देखोगे तो आपको अलग जानकारी मिलती है, और जब आप ऐप पे लोन लेने जाते हो तो कुछ और ही पिक्चर सामने निकल के आती है। वेबसाइट पर जो इन्होंने अमाउंट दिखाई थी उससे काफी कम अमाउंट आपको मिलती है, और जो ब्याज कम दिखाया था उससे कई ज्यादा ब्याज आपको लगता है, और 10 अलग प्रकार के चार्जेस लगते हैं जो कि आपको कभी बताए नहीं गए थे। होता क्या है कि कस्टमर ऐप डाउनलोड कर लेता है और फिर बाद में सोचते हैं कि इतने एफर्ट्स लगा लिए हैं, सिविल इंक्वायरी भी हो चुकी है, तो चलो अब इसी ऐप से लोन ले लेते हैं, इसी कंपनी से लोन ले लेते हैं। इसी आलस का फायदा ये कंपनी उठा रही है। आपको लग रहा हो कि ऐसा कैसे, तो चलिए मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। ये रही एम पॉकेट की वेबसाइट, इस पर लिखा है कि आपको 45,000 तक का लोन मिल सकता है, लेकिन इनकी ऐप में लिखा है कि आपको सिर्फ 30,000 तक ही मिल सकता है। अब दोनों में से कौन सा सही है, भगवान ही जाने। दूसरा है मनी व्यू, इनकी वेबसाइट पर लिखा है कि आपको 16% तक का ब्याज लग सकता है, लेकिन इनकी ऐप में लिखा है सिर्फ 10% तक का लग सकता है। अब इनमें से भी कौन सा सही है, भगवान ही जाने। जब जानकारी ठीक से अवेलेबल ना हो तो आपको कौन सा ऐप चुनना चाहिए, अब इसका टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि ये हमने आपके लिए एकदम आसान कर दिया है। हमने टॉप के 10 ऐप निकाले हैं और उनकी तुलना की है 13 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि एलिजिबिलिटी हो गया, ब्याज दर हो गया, अमाउंट हो गया, वगैरह वगैरह। अब ये वीडियो हम लोग सिर्फ आपके जानकारी के लिए बना रहे हैं ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके, और इसका प्रूफ ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में किसी भी तरीके की कोई भी लिंक नहीं मिलेगी। लिंक लगानी होती तो हम लोग भी लिंक लगा के पैसे कमा रहे होते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ आप तक सही जानकारी पहुंचानी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना और वीडियो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब सबसे पहले सारे ऐप्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। यहां हमने सारे लोन ऐप्स में एज, क्रेडिट स्कोर और मंथली इनकम के हिसाब से डेटा एनालाइज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो 5 कंपनियां हैं, नावी, ट्रू बैलेंस, होम क्रेडिट, एम पॉकेट और स्टैशफिन, ये 18 प्लस यानी कि स्टूडेंट्स को भी लोन देती है, और बाकी के जो 5 कंपनियां हैं वो सिर्फ 21 प्लस वालों को लोन देती है। अब वैसे तो ट्रू बैलेंस वालों ने सैलरी का क्राइटेरिया ना ही अपने वेबसाइट पे दिया है और ना ही अपने ऐप पर, लेकिन हमने थोड़ी सी और जानकारी निकाली तब हमें पता चला कि जो क्राइटेरिया है वो 20,000 का है, और लगभग आपको सारे जो ऐप्स है इंस्टेंट लोन वाले उन्हें सैलरी का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अभी आपकी जो सैलरी है वो कहीं से भी आ सकती है, फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप, कॉर्पोरेट जॉब्स। बैंक वाले जो होते हैं वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कॉर्पोरेट जॉब वालों को। इंस्टेंट लोन ऐप के अंदर आपकी सैलरी कहीं से भी आ सकती है। अगर आपका सिविल स्कोर 650 से कम है तो किसी भी ऐप में आपको लोन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मनी ऐप के अंदर आपको लोन मिल सकता है। लेकिन अगर 650 से कम का सिविल स्कोर है तो आपको लोन जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट पर मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि बाकी ऐप्स के ब्याज दर कितने हैं और जो अदर चार्जेस होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपकी सैलरी भी ठीक ठाक है तो सबसे कम ब्याज दर आपको देखने को मिलता है नावी के अंदर, और अगर बात करें प्री पेमेंट चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस के बारे में तो वो भी नावी के अंदर आपको 0 मिल जाएंगे। जीरो चार्जेस के लिए आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी होनी चाहिए और आपकी सैलरी भी काफी अच्छी होनी चाहिए। वैसे आमतौर पर अगर बात करें तो नावी आपको कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फीस लगाता ही है। अगर बात करें स्टैशफिन की तो ये भी नावी जैसा ही है, इसके अंदर भी आपको कम ब्याज दर और 0 प्रोसेसिंग चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। अब स्टैशफिन के अंदर आपको एक क्रेडिट लाइन मिलती है 5 लाख तक की, वो मिलती है आपको 3 सालों के लिए। तो अगर आपको बार बार लोन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि छोटे बिजनेसमैन वगैरह हो गए, उनको बार बार लोन की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए काफी अच्छा है। अगर बात करें कैशी, ट्रू बैलेंस और होम क्रेडिट, तो इनके ब्याज दर थोड़े ज्यादा है। ट्रू बैलेंस और होम क्रेडिट ये ज्यादा स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, इसीलिए इनके जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं होता तो इसीलिए इनका थोड़ा ब्याज दर ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें कैशी की तो उनका ऐसा नहीं है, वो ज्यादातर सैलरीड एम्प्लॉयज को टारगेट करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो ब्याज दर है वो थोड़ा ज्यादा है। अगर हम लोग चार्जेस के बारे में बात कर ही रहे तो एम पॉकेट, मनी व्यू और मनी टैप, ये तीनों दो इन सब के बीच में, इनके चार्जेस ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन सब ऐप्स के अंदर आपको कितना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है और कितने समय के लिए मिल सकता है। सबसे ज्यादा अमाउंट का लोन आपको मिल रहा है नावी के अंदर, जो कि 20 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है और समय है 6 सालों तक का। वहीं पर अगर बात करें मनी व्यू की तो इसके अंदर आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, वो भी 5 सालों के लिए। और अगर बात करें ब्याज दर की और अदर चार्जेस की तो ये भी ठीक ठाक रेंज में है। बाकी सारे ऐप्स में आपको लगभग 4 से 5 लाख तक का लोन मिल सकता है, और अगर समय की बात करें तो वो काफी डिफरेंट है, जैसे कि 18 महीनों से लेकर 60 महीनों तक आपको मिल सकता है। बाकी अगर बात करें एम पॉकेट की तो इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा 45,000 का लोन मिल सकता है, वो भी इनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ऐप के अंदर सिर्फ 30,000 ही लिखा हुआ है, और वो मिलता है आपको 120 दिनों के लिए। तो अब चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। नावी अभी तक सारे पैरामीटर्स में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, और इसको लेने के लिए बस आपकी जो सैलरी है वो अच्छे खासे रेंज में होनी चाहिए, लाइक 15,000 से लेकर 20,000 तक के बीच में होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको अच्छी खासी अमाउंट का लोन मिल सकता है, वो भी अच्छे टेन्योर के लिए। अगर बात करें क्रेडिट बी, मनी टैप, एम पॉकेट और स्टैशफिन की, तो किसी पैरामीटर में ठीक ठाक है, किसी पैरामीटर में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे कि जो क्रेडिट भी है उसका जो ब्याज दर है वो और प्रोसेसिंग भी थोड़ी ज्यादा है, बाकी सब में ठीक है। अगर बात करें स्टैशफिन की तो उसका ब्याज दर थोड़ा ज्यादा है, बाकी सब में ठीक है। अगर बात करें मनी टैप की तो प्रोसेसिंग फी थोड़ी ज्यादा है, प्लस इसमें जो मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा ज्यादा है। और अगर बात करें एम पॉकेट की तो एम पॉकेट के अंदर भी प्रोसेसिंग फी बहुत ज्यादा है। अब अगर बात करें कैशी, ट्रू बैलेंस और होम क्रेडिट की तो वो बाकी सब की तुलना में बहुत ज्यादा महंगे लग रहे हैं सारे पैरामीटर्स के अंदर। चलिए ये देखते हैं कि सारे ऐप्स के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे लोन लेने के लिए। तो मोटा मोटी सारी कंपनियों में आपको एक पैन कार्ड लगता है,
फिर उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जैसे कि कैशी, एम पॉकेट, मनी व्यू, स्टैशफिन या फिर पेसेंस, जिनमें आपको अपना सैलरी स्लिप भी देना होता है या फिर 3 महीनों का अपना बैंक स्टेटमेंट भी वो मांगते हैं। दरअसल जो मनी टैप, पेसेंस और ट्रू बैलेंस है कि आपको अपना सेल्फी भी मांगते हैं, जो कि आपको अपने ऐप से ही लेना होता है, इससे उनको आपका कैमरा का एक्सेस भी मिल जाता है। चलिए आखिर में सारे ऐप्स की रेटिंग भी देख लेते हैं और कस्टमर फीडबैक भी देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर आप एकदम आसानी से देख सकते हो कस्टमर ने क्या क्या फीडबैक दिया हुआ है। अब ये कस्टमर का एक कस्टमर का फीडबैक नहीं है, ऐसे हजारों कस्टमर ने फीडबैक दिया हुआ है। तो हमारे टीम ने ये सारे रिव्यू चेक किए हैं और फिर जाके हम लोग एक एक्यूरेट आंसर, एक एक्यूरेट पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि क्रेडिटबिको जो ऐप की रेटिंग है वो काफी अच्छी है, लेकिन इनके कस्टमर्स ने इनके कस्टमर सपोर्ट को काफी नेगेटिव फीडबैक दिया है और प्लस इधर आपको सिर्फ स्मॉल लोन्स ही मिलते हैं। वहीं पर अगर बात करें मनी टैप की, तो कस्टमर्स ने बोला कि इनका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा नहीं है और काफी सारे हिडन चार्जेस रहते हैं। अगर बात करें कैशी, स्टैशफिन और पेशेंस की, तो उनकी रेटिंग तो काफी खराब है। अगर बात करें नावी फिनटेक की, तो यहाँ पर प्राइवेसी को लेकर काफी सारे लोगों ने कंप्लेन की है। अगर बात करें ट्रू बैलेंस की, तो आपको अप्रूवल काफी जल्दी मिल जाता है, लेकिन जो चार्जेस है, जो ब्याज दर है, वो काफी ज्यादा है और ये हमने पहले भी देख लिया था। जैसे कि आप देख रहे हो 100% परफेक्ट ऐप कोई भी नहीं है, आपके लिए सबके लिए अलग अलग बेस्ट ऐप हो सकते हैं। अगर आपको लोन का अमाउंट थोड़ा ज्यादा लेना है और कम ब्याज दर के साथ लेना है, तो आप नावी के साथ जा सकते हो, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको कम लोन लेना है लेकिन थोड़ा जल्दी चाहिए, तो फिर आप ट्रू बैलेंस या फिर एम पॉकेट के साथ जा सकते हो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो जिसको रेगुलरली लोन चाहिए होता है, तो आप स्टैशफिन के साथ भी जा सकते हो। तो आप अपने हिसाब से जो भी बेस्ट ऐप है वो चुन सकते हो। तो इंस्टेंट लोन से जुड़े हुए ऐप के बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी, वो मैंने आज के वीडियो में आपको बता दी है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, हमने काफी ज्यादा रिसर्च भी करी है और काफी मेहनत लगती है ये सब जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया हो, तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन इंस्टेंट लोन एप्स। हमारी सारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर